आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज होली का ये महापावन पुनीत पर्व है और हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की दरबार में मालिक से दया दुआ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज की इस पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी तीज और त्योहार इस मकसद और उद्देश्य से मनाए जाते हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य, हमारी जीवात्मा का कल्याण, जो कि हमारे जीवन का मूल ध्येय है, कहीं हम उसे भूल ना जाएं। इसीलिए हर पखवारे, हर महीने, हर सप्ताह में हमारे भारत देश में कोई ना कोई तीज त्योहार आते रहते, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उस परमेश्वर की सत्ता से धीरे धीरे नजदीक पहुंचें, जहां हमको सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त हो सके। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो होली का अर्थ ये होता, प्रेमी भाई बहनों, जब हमारी आपकी ये जीवात्मा ये सुरत शब्द के साथ हो लेती है, तब सही मायने में यह जीवात्मा उस परमात्मा के साथ होली खेलती। प्रेमी भाई बहनों, हम आप हो सौभाग्यशाली हैं कि होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर गुरु महाराज की दरगाह में उपस्थित हुए, गुरु महाराज की वचन वाणियों को यहाँ पर सुनने समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवात्मा के ऊपर ये जो काई जमी हुई है ये सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे साफ होगी। गुरु महाराज की वचन वाणियों को सत्संग को सुनाने से पहले सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सत्संग का शुभारंभ होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन मालिक को याद करते हुए
एक प्रार्थना बोलिएगा, और जो पीछे आते चले जा रहे आप लोग अपनी जगह देख करके थोड़ी दूरी बना करके, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, अपनी अपनी जगह पर बैठते चले जाइएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु का ध्यान कर प्यारे, सके नहीं छोटना, बिना सके नहीं छोटना, नाम के रंग में रंगे के जा
ज्योत्यों जगत की जाल से ज्योत्यों ऑटो मरदान गे करना ऑटो मरदान गी करना ये नोने मारे मन इन्होंने मारे मन डाला उसे को सोरे मा कहना उसी को सोरे मा कहना मन घाट में बराबरी है मन घाट में इसे का जीतना कठिना शाही के पीछे आड़ो तुम शाही के पीछे और शबाई जाता न ताजना जब जाए मन तो जैसे आर जब जाए मन तो जैसे जाड़ा दे सो ते को गागना शब काम जग जोठा शब काज जग जोठा जग दे शाही को ज्ञाना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके छोटे नीना सके छूटना प्रेमी भाई बहनों हम सभी दुनिया के जीवों को
सदैव यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, जो हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है, आखिर वह है कहां पर और कैसे उस परमात्मा की भक्ति करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा समझाते हैं कि भाई परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह, तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जा करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को नर नारायणी देह कह करके याद किया। यह वह देह है जिसे नारायण ने खुद पैदा किया और इसके अंदर जो हमारी ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसे भी नारायण होने का फक्र प्राप्त होता। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि रहता हो, हरि वास करता हो, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा यह जो रूहानी सफर है, ये पैरों के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। हमें अपने फैले हुए ख्याल को इन नौ द्वारों से समेट करके यहां दसवें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की बैठक है, जिसे महात्माओं ने शिव नेत्र कहा, ज्ञान चक्षु कहा, तीसरा तिल कहा, वह दोनों आंखों के मध्य भाग में है। यहीं से हमारा ख्याल नीचे उतर करके सारी दुनिया में फैल जाता। यहां बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल आता, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता, कभी दुकान और दफ्तर का ख्याल आता। ये मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में हम रात और दिन उलझे ही रहते। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में क्यों ना बंद कर लो, आप वहां नहीं रहोगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला रहेगा। फिर जिसका हम ख्याल करते हैं, यानी जिसका हम सुमरण करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। यदि बाल बच्चों का सुमरण करेंगे,
बाल बच्चों की शक्लें आ जाएंगी, घर के कारोबार का स्मरण करोगे, घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जब हम सारी उम्र दुनिया का स्मरण और ध्यान करेंगे तो दुनिया से मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आएगा। ये दुनिया नाशवान है, पानी मथे हाथ नहीं आया, पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से जब हम इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों का स्मरण ध्यान करेंगे तो इन्हीं से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, वही मोह और प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच करके ले आएगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सी चीज हमें दुनिया में बार बार लाई, दुनिया का मोह लाया, दुनिया का प्यार लाया, ये किसने पैदा किया? दुनिया के सुमरण और ध्यान ने पैदा किया। हर एक को सुमरण और ध्यान करने की ये कुदरती आदत पड़ी हुई है। हमें मन की इस आदत से फायदा उठाना चाहिए। सुमरण को सुमरण काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन हमें उस चीज का सुमरण करना चाहिए, उस चीज का ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे सुमरण और ध्यान करने के काबिल हो सकती है। हम देखते हैं ये सारी दुनिया पांच तत्वों की बनी हुई है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, हरेक के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद होता। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। अब अगर हम पांच तत्व के होकर के एक तत्व का स्मरण ध्यान करेंगे यानी पेड़ पौधों की पूजा करेंगे तो जहां आशा तहां वाशा उन्हीं से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, वही मोह और प्यार हमें खींच करके पेड़ पौधों की योनि में डाल देगा। इसीलिए यह चीज हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। अब अगर हम पांच तत्व के होकर के कीड़े मकोड़ों का ध्यान करेंगे तो हमें भी कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए यह चीज भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर तीसरी श्रेणी स्वयं पंछियों की आती जिनके अंदर तीन तत्व मौजूद होते। हमें तो इंसान के जामे से ऊपर उठना है, ना कि नीचे गिरना। इसीलिए यह चीज भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर चौथी श्रेणी चौपाए जानवरों की आती है जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती। अब अगर ये बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिहीन जानवरों की पूजा करेगा तो इन्हें भी जानवरों की योनि में जाना पड़ेगा। इसीलिए यह चीज भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। फिर पांचवी श्रेणी स्वयं इंसानों की आती जिसके अंदर पांचों तत्व
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। अब इंसान इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, जब सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए हों। महात्मा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि भाई आप एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख दो, जिसका संबंध जिसका कनेक्शन किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो, आप लाख कोशिश करो कभी किसी देश की खबर नहीं सुन सकते। अगर उसका संबंध किसी बिजली या बैटरी के साथ कर दिया जाए, फिर जिस देश की चाहो आप उस देश की खबर सुन सकते हो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसका लीव जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हरेक का गुरु है। और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते, उन सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर शलल शलल समाहिदा। समुद्र में दो चार मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता है। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जा करके उस शब्द में ही समा जाती। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इसके नहीं छुटना। हमें उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लीव जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। आगे महात्मा कहते हैं कि नाम के रंग में रंग जा, और मिले तो ये धाम निज अपना। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे मन का झुकाव ये आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे हुए। क्योंकि ये जो हमारा मन है, ये इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता और जब उसके मुख से खून निकलता, तब वह यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा यह जो मन है, ये इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन यहां न कभी किसी को सुख प्राप्त हुआ और न ही कभी हो सकता। महात्मा कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव ये दुनिया की तरफ है, तब तक तुम दुनिया के रंग में रंगे हुए, दुनिया की ओर से आंखों वाले बने हुए, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। क्योंकि हम अपने घर को भूल चुके,
हम अपने सच्चे देश को भूल चुके, हम अपने सच्चे पिता को भूल चुके। हम बाहर से कितने भी आलिम फाजिम विद्वान गुड़ी और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन हम अंदर से बेअकल हैं, अंदर से बिल्कुल अज्ञानी हैं। महात्मा कहते हैं कि जब तुम नाम की कमाई करोगे, अपने फैले हुए ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब मन पर ये दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा, तब आप दुनिया की तरफ से सो जाओगे लेकिन मालिक की तरफ से जाग जाओगे। दुनिया की ओर से अंधे हो जाओगे, मालिक की ओर से आंख वाले बन जाओगे। ये कब हासिल होगा? जब आप नाम की कमाई करोगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं, नाम के रंग में रंग जा, और मिले तो ये धाम निज अपना, और गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें यह मालूम हो चुका कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारी देह तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें यह भी मालूम पल चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को नौ द्वारों से समेट करके दसवें द्वार पर एकाग्र करना है, फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम, हमें अपने घर वापस पहुंचना। हमें यह भी मालूम पड़ चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी तो दुनिया के सारे रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में एक ख्याल आता है, महात्माओं ने इतनी बड़ी बड़ी धर्म पुस्तकें बनाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके क्या हम उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ा सीधा और सरल सा जवाब है, अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठकर आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह मालिक बैठा हुआ। चलो अंदर, चलो अंदर, चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया, उसने अपने मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये परमार्थी राह है, जिस रास्ते पर आप चल रहे ये परमार्थ की राह है, और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया, हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम इस भव सागर से पार जाना चाहते तो हमें गुरुमुखों की शरण में जाना पड़ेगा, उनके सत्संग वचनों को सुनना पड़ेगा,
उनके संगत और सोहबत करनी पड़ेगी, उन पर भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। अरे सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोर धाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते, लेकिन हमें पूरा भरोसा तब आता जब हम प्रत्यक्ष रूप से अंदर जाकर के अपने सतगुरु की हस्ती और शक्ति को जान लेते। उससे पहले कोई कह दे नहीं महात्मा जी ठीक नहीं, तो आपका भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो आपका भरोसा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जाकर के अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, उसकी हस्ती और शक्ति को जान लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया, एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में देखो एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने वाले के पास जाते हैं, वह सबसे पहले क्या करता, वह उस कपड़े को साबुन और सोड़े के साथ अच्छी तरह से धो करके साफ कर देता। फिर उसके पास रंग से भरी हुई मटकी होती है और वह उस साफ कपड़े को उस मटकी में डुबो देता, जिससे उसके अंदर बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरुमुखों की शरण में जाएंगे, महात्माओं की शरण में जाएंगे, वे अपनी संगत और सोहबत के द्वारा, सत्संग वचनों के द्वारा, सुमरन ध्यान भजन के द्वारा, मन पर ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ
ये दुनिया का रंग उतार देंगे। महात्माओं के पास में नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिसके हमारे अंदर से दुनिया के सारे रंग फिर उतर जाएंगे और उस मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर एक इंसान के अंदर होती, हर एक बच्चे के अंदर होती, लेकिन वह सोई हुई रहती है। जब बच्चा मेहनत करता है, स्कूल में जाता है, मास्टरों का कहना मानता, रात को जाग जाग करके पढ़ाई करता, तो वह ताकत जो सोई हुई रहती, वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, मास्टरों का कहना ही नहीं मानता, ताकत तो उनके अंदर भी रहती लेकिन सोई हुई रहती, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लगकर नहीं, बल्कि गुरुमुखों की शरण में जाकर के वे जिस राह पर हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, और लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, हमें उस परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छा और तृष्णाओं के लिए नहीं, मान बड़ाई के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे, और कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, और कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए, और कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रीझे, और साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठ जगत पति जे कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। रविया वश्री मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए हैं, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने दोझक या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में लगा लो, ये चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा यही समझाते कि भाई हमें उस मालिक की भक्ति केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं करनी, मान बड़ाई के लिए नहीं करनी, लोगों से माथा टिकवाने के लिए नहीं करनी। अरे बगुला भगत बनने से कोई लाभ नहीं होता, शायद कुछ लोगों को हम धोखा दे सकें, लेकिन वो परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, उसे आप कभी धोखा नहीं दे सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करो, और अपनी भक्ति को हजम करना सीखो। दया पाना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन दया को हजम करना ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमी भाई बहनों, बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है बाप के पैसे से कारोबार में लगा करके और ज्यादा कारोबार बढ़ाता तो बाप उसकी और मदद करता। और प्रेमी भाई बहनों, जो बेटा बाप के पैसे बाप के कारोबार को खत्म कर दे, उन पैसों को शराबों कबाबों में खर्च कर दे, दुनिया में ऐसे ही गफलत में उड़ा दे, तो बाप अपने हाथ खींचे पीछ लेता और जो कोई धन संपत्ति उसे देनी होती उससे भी वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अपनी भक्ति को अपने अंदर छुपा करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाजार में तुम मान बड़ाई के खातिर कौड़ियों की तरह खड़खड़ाते फिरो, ये दुनिया वाले लूट करके ले जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना सीखो और निस्वार्थ भाव से उस मालिक की भक्ति करो। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई लाभ है और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ये कर्म भूमि है, यहां जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अच्छा करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा, ये कर्मों का ऐसा जंजाल है, तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और कैसे कर्मों के जंजाल में आ करके फंस गए। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, पहले ना हम थे ना आप थे, ना जमीन थी ना आसमान था, ना देवी थे उथे ना देवता थे, ना ईश्वर थे ना परमेश्वर थे, पहले कुछ नहीं था। तो पहले क्या था? गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, एक अनिय नामा अभि सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनिय नामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने तीन लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। ये तीनों लोक एक रस हैं, यहां न कभी परिवर्तन हुआ और ना ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सतपुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता, इसीलिए रूहों का छोटा सा भंडार इनको दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया, तुम जाओ जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आना। सतपुरुष भगवान के आदेश पर हम लोग नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, ये 4 प्रकार के कपड़े पहना करके परत दर परत जीवात्माओं को नीचे उतार दिया गया
और इसी मृत्यु लोक में, इसी मनुष्य शरीर में, इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं यहां आई उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी। रोज मालिक का दर्शन करते, रोज आते रोज जाते, और समय पूरा होने के बाद ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी मृत लोक में लौट करके नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपे निकलती चली गईं। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी तपस्या की, इतनी मेहनत कर करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांगा, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी, मेरा राज खाली हो जाएगा, तो हम राज किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया कि भाई पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता, मैं काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों के जंजाल में फंसती चली गईं, कर्मों की बेड़ियों में उलझती चली गईं। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, हम लोग कर्मों के बंधन में बंद करके यहीं पर भटका खा रहे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, समझाने की कोशिश करते कि भाई जो कुछ कर्म तुमने किए हैं भजन सुमरण ध्यान के द्वारा, उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए तुम कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग भूल जाते, हम सोचते हमें कौन देख रहा, रात का अंधेरा है, जैसे कर्म करो, लेकिन हम भूले बैठे हैं कि भाई देखने वाला कहीं दूर नहीं बैठा, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ। उसे न किसी जज की जरूरत है, न किसी वकील की जरूरत है, न किसी गवाह की जरूरत है, न किसी सिफारिश की जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, जो कुछ कर्म तुम करोगे उसके अनुसार तुमको सजा मिलेगी। अच्छे कर्म करोगे अच्छा नतीजा, बुरे कर्म करोगे बुरा नतीजा। ये कर्मों का ऐसा जंजाल बनाया, यहां जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये भोग भूमि देश है, बुरा करोगे बुरा नतीजा मिल जाएगा, अच्छा करोगे अच्छा नतीजा मिल जाएगा। ना बुरा कर्म करके मुक्ति मिल सकती, ना अच्छा कर्म करके मुक्ति मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, यदि बुरे कर्म लोहे की जंजीर हैं, तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। आध्यात्म तो यही कहता है कि भाई जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी, कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। अरे बुरा कर्म करोगे तो नरकों चौरासियों में चले जाओगे, अच्छा कर्म करोगे उसका भी आपको भोग मिल जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, अच्छे कर्म का आपको भोग मिल जाएगा। स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे, वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। और जहां पुण्य कर्म आपका समाप्त हुआ, फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। अब वहां से जो नीचे उतारा जाएगा,
तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों और चौरासियों में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिलती। प्रेमी भाई बहनों, देखिए कृष्ण भगवान को उस समय बाली को छिप करके बाण मारा। वही बाली कृष्ण भगवान के समय में प्रेमी भाई बहनों बहेलिया बन करके आया और कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था। हिरण की आंख समझ करके निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान हैं, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहां जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वही कर्म जो करेगा तू और वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से ज्योत्यों हटो मर्दानगी करना। हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए हैं। ये जगत के जाल है क्या? प्रेमी भाई बहनों, रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सगे और संबंधी, जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे ये सब जगत के ही जाल हैं। प्रेमी भाई बहनों, कैसे हम दुनिया के जीव जगत के जाल में फंसते चले जाते हैं, महात्मा समझाते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप भी अच्छी तरह से समझते रहिए कि कैसे आप लोग जगत के जाल में फंसते हो। जब आप मां के घर में उल्टे लटके थे, उस समय आपने परमात्मा से वादा किया था कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब परमात्मा ने आपकी प्रार्थना कबूल कर ली, आपको मानव तन दे दिया, और जैसे ही मां के गर्भ से आप बाहर निकले, माया का छोटा सा पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। अपने सारे वादे को, गर्भ में किए हुए सभी वादों को आप भूल गए। प्रेमी भाई बहनों, बच्चा जब मां के गर्भ से जन्म लेता है, उस समय न मुख से बोल पाता, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। मुख बोले न सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय न बच्चा मुख से बोल पाता, न अपने दुख और दर्द को बयान कर पाता। हरे धूप में लिटा दो, बच्चा धूप में पड़ा हुआ, छांव में लिटा दो, छांव में पड़ा हुआ, गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता, सिर्फ रोता और चिल्लाता रहता। अब रोने और चिल्लाने के सिवाय उसके पास दुख जाहिर करने का कोई दूसरा तरीका नहीं। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता है, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि आखिर मेरा बच्चा क्यों रो रहा, क्या इसको तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। अब जब पेट में दर्द होता तो सिर दर्द की दवा दी जाती, और सिर में दर्द होता तो पेट दर्द की दवा दी जाती। महात्मा कहते हैं कि भाई बालपना ते दुख में बीता, और भाई किशोर खेल मत लीता, मात पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निस्दिन खेल दीवाना। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते, रोते और चिल्लाते, ये बाल काल का समय बीत जाता। अब बच्चा बोलने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता,
अपने दुख और सुख को बयान करने लग जाता तो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। अब यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया, मार पीट में पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। अब जितना बच्चे की उम्र नहीं उससे ज्यादा वजनदार किताबें उस बच्चे की पीठ पर लाद दी जाती, बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते, ऐसे ही पिटते पिटाते ये प्रेमी भाई बहनों किशोरावस्था निकलती चली जाती। यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अबरीते, कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था अवन लागी और मन तरंगे अब छिन छिन जागी। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था को, कहते धीरे धीरे किशोरावस्था निकल गई, जवानी की अवस्था आ गई, मन तरह तरह की तरंगे लेने लगा, मतवाले हाथी की तरह मन मद होश हो गया, मन में दुनिया की ख्वाहिशें पैदा होने लगी, मेरा भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरी भी जमीन जायदाद हो, मेरे भी ठाठ बाठ हो, मेरी भी हाट और हवेली हो, मेरी भी शादी हो जाए। कहते भाई चाह उठी तब करी सगाई और ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठी, इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मति हर्षाना, नारी देख मन अति हर्षाना और बेड़े भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इस मनुष्य का मन प्रसन्न होने लगा जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। प्रेमी भाई बहनों दुख कैसे ये जीव ये जगत के जंजाल में फंसता चला जाता, इसको खुद नहीं मालूम होता। जब ये माँ के गर्भ में था तो परमात्मा से रोता था कि हे परमात्मा इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे। लेकिन जब मानव तन मिल गया देखो कैसे जगत के जाल में उलझता चला जा रहा। तो महात्मा कहते हैं नारी देख मत हर्षाना और बेड़े भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। और जब शादी हो गई तो घर परिवार बट गया, चूल्हा चौका बट गया, जमीन जायदाद बट गई, यहां तक कि माँ बाप भी बट गए। ये 10 दिन तुम अपने माँ बाप को खिलाओ फिर 10 दिन हम माँ बाप को खिलाएंगे। कहते भाई मात पिता का हक सब भूले और दिन और रात नारी संग झूले और घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन यतराता। जब इस मनुष्य की शादी नहीं हुई थी तो पूरा प्रेम इसका अपने माँ बाप के साथ था और जब इसकी शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम लेकर के इसने अपनी औरत को दे दिया। और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के हिस्से का बचा हुआ आधा प्रेम लेकर के इसने अपने बच्चों को दे दिया। अब माँ बाप के हिस्से का प्रेम और प्यार इसने अपने बीवी और बच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे लेकिन मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और देखो वही माँ बाप उनकी बूढ़ी आंखें अपने औलाद के प्रेम को पाने के लिए तरसती हैं लेकिन वही औलाद अपने माँ बाप को धुतकार देता। अपने आश्रम में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, अपनी अपनी शिकायत करते हैं कि हमको हमारे ही बच्चों ने निकाल दिया, हमको यहीं पर जगह दे दो, हम यहीं पर अपना जीवन काट लेंगे। अरे ये तो आश्रम है,
ये तो सबका है, चाहे जो आए रहे आकर के, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो अपने माँ बाप को सताता है वो इस संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई फिकर पड़ा घर का जब ही और दर दर भटके दुख अब सही। जब इस मनुष्य की शादी हो गई, बच्चे कच्चे हो गए, तो दुनिया का खर्चा बढ़ गया। अब औरत को भी कपड़ा लत्ता चाहिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए कपड़ा लत्ता चाहिए। अब दुनिया का खर्चा बढ़ गया, तब ये मनुष्य सोचता है कि चलो कहीं जाकर के चार पैसे कमाए जाएं, कहीं नौकरी की जाए, कहीं दुकान दफ्तर किया जाए, कहीं खेती बाड़ी की जाए, ताकि घर में चार पैसे आए, घर का खर्चा चल सके। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, और धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर चार पैसे कमा लिए तो घर में गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो घर में ही रगड़ा झगड़ा हो गया, और दुनिया के खर्चे बढ़ गए, दुनिया का कर्जा बढ़ गया। अब उस कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, नहीं खेती बाड़ी जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। महात्मा कहते हैं कि ग्रह तारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। धीरे धीरे उसके भी बच्चे कच्चे बड़े हो गए। अब ये मनुष्य सोचता है कि चलो अपने बच्चों की शादी ब्याह कर दिया जाए। अब बच्चों की शादी ब्याह करना, कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा खानदान मिल जाए, अब अच्छा परिवार मिलना मुश्किल, और अगर मिल भी जाता है तो दुनिया का दहेज मांगते हैं कि हमारा बच्चा एमए किया हुआ नौकरी पेशा वाला है, तुम इतना रुपया दोगे तब तुम्हारी लड़की की हम शादी अपने लड़के के साथ कराएंगे। अब मनुष्य इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता, कहते भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़फे जस जल बिन मीना, मूरख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। धीरे धीरे शादी ब्याह भी कर दिया, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंती संति सबका बाबा बन गया। अब घर में किसी को तकलीफ होती है तो इसे परेशानी हो जाती है, क्योंकि इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद लिया। अब रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, रात दिन इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता। महात्मा कहते हैं कि भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर शबाना। इस अज्ञान अंधकार में अब न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता। न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ही ये मनुष्य अपने कीमती समय को, श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते हुए चला जाता। अज्ञान अंधेरा ति घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटका खाने के बाद तब जाकर तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और इसीलिए मिला ताकि जीते जी हम उस मालिक की भक्ति करके उस मालिक को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब ये समय मिल गया तो कीमती समय और श्वासी की पूंजी को व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में, जगत के जंजाल में आप फंसाते चले गए। ना भजन किया, ना ध्यान किया, ना सुमरन किया। अरे अगर भजन ध्यान सुमरन करते तो तुम्हारा लोक भी बन जाता, परलोक भी बन जाता। अब ना लोक के रहे, ना परलोक के रहे, ना घट के रहे, ना घाट के रहे। यह भी बीते दुख में सब दिन, और वृद्धि अवस्था आई छिन छिन। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, मनुष्य की उम्र 70-80 साल की हो गई। अब ये मनुष्य बूढ़ा हो चला, अब आंख से दिखाई नहीं देता, मुख से बोल नहीं पाता, जवान से दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता।
अब घर में कोई बात ये कहता है तो यही बच्चे कच्चे नाती पोता पंती संती इसकी बात पर तवज्जो नहीं देते तब इसे भारी कष्ट होता है। प्रेमी भाई बहनों, बुढ़ापे की अवस्था बड़ी कष्टकारी होती है। एक प्रेमी भाई बहनों उस समय न बोल पाए न देख पाए, न इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती हैं। अब बुढ़ापे में जब अपनी सुध नहीं है तो कोई परमात्मा की क्या याद करेगा, परमात्मा की सुध कैसे करोगे। तो धीरे धीरे बुढ़ापे का समय आ जाता और काल घटा जब आकर छाई और धरा मौत अधिक बरसाई और काया ढह गई उनकी भाई। धीरे धीरे समय आया, मौत का वक्त मुकर्रर हो गया। यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस पिंजड़े से अलग हो कर देते हैं। ये जीवात्मा जैसे ही पिंजड़े से निकलती है शरीर आपका मुर्दा हो जाता और घर परिवार वाले इकट्ठे हो गए और ले जा करके शमशान भूम पर के और फूंक फाक करके अलग किया। 10 दिन आपको याद कर लेंगे, जब तक 13वीं नहीं होगी। 13वीं भी इसीलिए करते हैं ताकि समाज क्या कहेगा, सिर्फ अपने मान और सम्मान के लिए कि समाज के लोग क्या कहेंगे कि देखो अपने खानदान की 13वीं तक नहीं की। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको फिर कौन याद करेगा, कैसे ये जीव जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जगत के जाल से ज्योत्यों हटो मर्दानगी करना, और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में वीरों और सूरमाओं की कोई कमी नहीं है, इतिहास भरा पड़ा हुआ। लोगों ने अपने परिवार के खातिर, अपने धर्म और कर्म की रक्षा के खातिर अपने आप तक को कुर्बान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सूरमा वह है जो अपने मन को काबू में कर लेता। मन जीते जग जीत, ये मन ही है। भाई भाई में नफरत पैदा कौन करवाता, हमारा मन पैदा करवाता। मजहब मजहब में लड़ाइयां कौन करवाता, जात पात में नफरत पैदा कौन करवाता, केवल हमारा मन पैदा करवाता। मुसलमानों में 72 संप्रदाय हो गए, सिखों में 32 फिरके हो गए। ये मजहब संप्रदाय जात पात कौम ये किसने बनाए, केवल हमारे मन ने बनाए। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा मन की गुलाम है और ये मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा। प्रेमी भाई बहनों, जहां इंद्रियां चाहती हैं इसे अपने घाट पर खींच करके ले आती हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तप किया और मेनका परी पर मन आ गया, शकुंतला पैदा हो गई, जिसका तमाशा सिनेमा घरों में आप देखते हो। महर्षि पाराशर पूर्ण योगी होकर के घर वापस लौट रहे थे, मल्लाह की लड़की पर मन खराब हो गया, अपनी पूरी तपस्या उन्होंने व्यर्थ गवा दी। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया मन के आगे धोखा खा गए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। अरे नन्नारियो, हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अगर कोई दुश्मन है तो वह केवल तुम्हारा अपना मन है। अगर कोई दुश्मन दुनिया में होता है तो हम उससे बचने के लिए 1000 तरह के उपाय कर लेते, बम गोले बारूद रख लेते, राइफल और बंदूक रख लेते, अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन मन एक ऐसा चालाक दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम उससे बच करके कहां जा सकते हैं। पता नहीं कब तुम्हें गुमराह कर दे, कब किसी गलत राह पर चला दे। ये मत मित्र बन करके कभी भरमाता और कभी दुश्मन बन करके ये डरा देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठना। और पड़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना, और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। अगर मन को काबू करना चाहते हो
मन को काबू में लाना चाहते हो तो सुरत शब्द नाम की कमाई करो, दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा ना हो कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर लो पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। है नन्नारियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ख्याल को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे तो हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विचार चले ही अनिमारग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। ये दुनिया भर के कर्म कांड, जब तक पूजा पाठ, इन कर्म कांडों से ना कभी किसी को मुक्ति मिली है और ना ही कभी मिल सकती। बड़ा सुंदर लोमस ऋषि का दृष्टांत आता है आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमस ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि हे पिताजी, दया कृपा करके हमको बता दीजिए कि मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। पित से पूछ मुक्ति की बाता और गंगा का फल कहो विधाता। हे पिताजी, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप दया कृपा करके हमको बताइए। तो ब्रह्मा ने बताया कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्ति की दाई कि हे लोमस ऋषि, अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसे सहज में मुक्ति मिल जाती। तो लोमस ऋषि ने जवाब दिया, इस सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मक्षिका पाया। कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई है, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला, जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मच्छ की योनि में डाल दिया गया। मच्छ कहते हैं मछली को। प्रेमी भाई बहनों, अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में वर्णन है, लोमस ऋषि और ब्रह्मा का जो संवाद हुआ आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया, उसी का अर्थ आपको बताया जा रहा। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला, जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जय जय तीरथ सबे नहाए, जल जीव जौनी माहि भरमाए। जितने भी तीरथ थे सभी जाकर, जगह जगह जाकर हमने बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भौजल पार उतर के जाओ, ऐसी जुक्ति ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। तब लोमस ऋषि के पिता कहते हैं कि लोमस ऋषि, सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमस ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो,
चरणामृत व्रत साधो सोए, सहजे में मुक्ति पुनि होए। रोज रोज चरणामृत लेना, रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज चरणामृत ले लो, रोज रोज पूजा कर लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, विधि विधि ध्यान विधि से कीना और फल पायो पाहन को लीना। लेकिन मुझे फल क्या मिला? पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जले अच्छा सा था। मैंने शिव जी की भी पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के शिव जी की पूजा करो। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने वो भी पूजा की। अनेक दिवस पाहन करियासा, अंततः पुनीली नौवासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो हमको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसे युक्ति मुक्ति बतलाओ, मैंने बहुत भटक लिया, ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाए, फिर कभी जन्म मरण में ना आना पड़े, कभी मृत लोक में ना आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता बतला दो। लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा ने जवाब दिया कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमस ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती जो माताएं बहनें अपने अपने घरों के आंगन में लगाती, जो गोस्वामी जी महाराज का नाम है, वही हमारे गुरु महाराज का नाम है। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज का नाम नहीं लेते, स्वामी नाम की पत्ती कह करके पुकारते। तो यहीं पर उसका वर्णन किया गया कि हे लोमस ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम यह काम करो, एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमस ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि सहस्त्र तीन पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र तीन यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ उस पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया गया और मैं कई हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने हजारों हजार वर्षों तक पीपर की भी पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भव में भरमाई। भव कहते हैं चार खान, 84 लाख योनियों को। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार मैं भव में यानी चार खान 84 लाख योनियों में भटकता रहा। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार हमको ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो लोमस ऋषि के पिता कहते हैं
कि एकादशी करो तुम जाई याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमशि तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत रखो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष एकादश की ना अंत जन्म माखी को लीना। हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे और न किसी पूजा पाठ का विरोध कर रहे, ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है उसी का अर्थ हम आपको बता रहे। तो प्रेमी भाई बहनों लोमशि अपने पिता को बताते हैं कि अर्पुन व्रत कीनी बहुतेरा ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतवार को कीना तासे जन्म चील को लीना। कि हे पिताजी मने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविध व्रत रहे याते जन्म सुअर को पाए। कि हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर मंगलवार को व्रत रखा लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे सुअर की योनि में डाल दिया गया। अर्पुन व्रत तीज को कीना और कूकर जन्म ताही से लीना। कि हे पिताजी मैंने तीज का भी व्रत रखा लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीना और खर को जन्म ताही से लीना। खर कहते गधे को, यानी परदोष व्रत बड़े नियम और संयम के साथ, नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मृत्यु हुई तो मुझे गधे की योनि में डाल दिया। अब इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला इसमें डाल दिया। इस शरीर को आप सजने सवारने में लग गए तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। अब उसे आप सजने सवारने लग गए तब तक ले जाकर तीसरे खोल में पटक दिया। ऐसे ये मदारी नचाता रहता फिर आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो देखिए लोमशि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की नाम याते जन्म घूस को लीना। हे पिताजी मैंने नौमी का अष्टमी का व्रत किया लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमस ऋषि यही कहते अर्पुन व्रत कर झार बनाई पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरा जन्म बर्बाद चला गया, मैं खाली का खाली रह गया। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके हमको ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमशि के पिता यानी ब्रह्मा कहते हैं पुण्य गऊ का सबसे भारी याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमशि तुम थोड़ा दान पुण्य करो और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गऊ दान माना जाता, जाओ तुम थोड़ा गऊ दान करो जाकर के तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमशि ने जवाब दिया कि गऊ दान की ना बहुतेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी मैंने बहुत गौ दान किया लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितने लोगों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार काट काट करके खाया, मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी जो तुम कही सभी हम कीना और मुक्ति न पाए और रहे अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ से पूर्ण किया, इतना कोई नहीं कर सकता, कोई जब तक पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर्म कांड नहीं कर सकता। जितना मैंने किया
लेकिन मुझे फल कुछ नहीं मिला। बस अलग अलग योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से आप कह रहे कि हे पिताजी, मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अलग अलग योनियों में भटकता फिर रहा, दया कृपा करके अब की बार ऐसा रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, संत शरण से होए वारा। लोमश ऋषि में कहूं विचारा और संत शरण से होए पारा। हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई तीसरा तरीका नहीं। ये जब तक पूजा पाठ ये कर्म कांड ये सब मेरे जंजाल हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवों को फंसाने के लिए ये मैंने जंजाल बनाए, ये ब्रह्मा अपने लोमश ऋषि को बता रहे। अब देखो, पिता को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक भटका करके रखा, लेकिन अंत में उन्होंने बताया कि संत शरण से होए वारा, कि तुम जाओ संतों की शरण में जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना, पड़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रीत कर पहले और बहुर घट शब्द को सुनना। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ, उनसे प्रीत और प्रतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे पतंगे को दीपक से होती, तुम दीपक में भये पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरणी आई, तुमसे निकसे तुम्हें समाई। अरे पतंगा ये नहीं देखता कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जह दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिसार। ऐसे जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है। अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये केवल हमारे मन की हविश है। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम भव सागर से पार होना चाहते तो अपने सतगुरु से प्रेम करो, प्रेम ऐसा हो जैसे चंद्रमा और चकोर का होता। चकोर एक पंछी होता है, पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता है तो चकोर अपना पूरा ध्यान उस चंद्रमा के साथ जोड़ देता। जो जो चंद्रमा ऊपर उठता त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती, और जब चंद्रमा पश्चिम की ओर आता तो एक समय ऐसा भी आता उसकी गर्दन उसके पूंछ के साथ लग जाती, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं तोड़ता। महात्मा कहते हैं वह ऐसा प्रेम
साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लग ऐसे प्रेत न होवे तब लग साधन और बखान। जब तक चंद्रमा चकोर जैसी प्रीत न हो तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। अब गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर मेले पाप कर्मों के बोझे लदे हुए जो हमें महात्माओं की तरफ जाने ही नहीं देते। कबीर साहब ने फरमाया है कि कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहाए और माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध ता जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। ये हमारे कर्मों का नतीजा है, खोटे पाप कर्मों का नतीजा। और पाप कर्म कब साफ होंगे? जब आप सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे। और नाम की कमाई कब करोगे? जब आप सेवा करोगे, क्योंकि सेवा से कर्मों की सफाई होगी, सेवा से तुम्हारे अंदर दीनता आएगी। प्रेमी भाई बहनों, दीन बन जाओगे तो वह दयाल तुम पर दया कर देगा। एक छोटी सी चींटी राजा के महल में चींटी जा सकती लेकिन हाथी नहीं जा सकता। जब आप छोटे बन जाओगे तो वह मालिक तुम पर दया कर देगा। दीन हीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, हम मान बड़े मुनिवर गले और मान सवन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, और तरने को है दीनता और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। जैसे चिंगारी घास के ढेर को जला करके साफ कर देती, ऐसे ही गुरु तुम्हारे अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई दीनहीन बन करके रहो, छोटी से छोटी सेवा करो। जो प्रेमी भाई बहनों, आपको छोटी से छोटी सेवा मिल जाए, आप उस सेवा को करने की कोशिश करो। पहले तन की सेवा, धन की सेवा, फिर मन की सेवा। पहले तन की सेवा करोगे, तन की सफाई होगी, धन की सेवा करोगे। अब धन की सेवा इसलिए नहीं की जाती ताकि दुनिया में हम अपना ढिंढोरा पिटवाएं। देखो हम कितने बड़े दानी हैं, हम इतना संगत में धन दान दे रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना यह भाई, गुरु सेवा में खर्च कराए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे। भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। महात्मा कहते हैं अगर परमार्थ की राह में आप चलना चाहते तो तन की सेवा करो, धन की सेवा करो, तब मन की सेवा होगी। मन तुम्हारा तब शब्द के साथ लीन होना शुरू करेगा, और जब शब्द के साथ लीन हो जाएगा तो शब्द तुम्हारे कर्मों को काटता चला जाएगा। शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाय मिलावे। शब्द वो अंजन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेख मार देगा। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द के साथ जोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते तो अपने गुरु से प्रीत करो। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना, और हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। जब तक हमारा मन ये दुनिया में फैला हुआ तब तक हम हारे हुए हैं, ये मन हमारा जीता हुआ। लेकिन जब हम अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देंगे
और प्रेमी भाई बहनों, तब हम जीतना शुरू कर देंगे, मन हमारा हारना शुरू कर देगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो। अगर मन को काबू करना चाहते हो, मन को हराना चाहते हो, तो अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करो। धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, जोगी युक्ति कमावे अपनी, जति रहे जत लाई। तपसी तप कर थाक रहे हैं, विद्या बल सब जाए। ज्ञानी पढ़ पढ़ वेद वखा में, विद्या बल सब जाए। बुद्धि चतुरता कामना में, आलिम रहे फसताए। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौ लाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराए। फिर से हवस से हाथ ना आवे, तन मन देव चढ़ाए। बुल हव सीवा कपटी मन को, नेक न धुन पति आई। यह धुन है धुर लोक या धर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे असवारी, गगन कोट वह ले घराई। और धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, अगर मन को काबू करना चाहते तो उस धुन को पकड़ो, उस शब्द को पकड़ो। इसीलिए महात्मा कहते भाई सुरत शब्द नाम की कमाई करो, नाम की कमाई। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे सी को कहना। प्रेमी भाई बहनों, हमको विचार करना होगा कि हमारा देह में आने का असली मकसद क्या है। अरे पेट तो हर कोई भर लेता, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते, ये जानवर भी अपने पेट भर लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते। लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल मनुष्य कर सकता और केवल इसी शरीर के द्वारा हो सकती, तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा ने हमको ये मानव तेव शरीर केवल इसी उद्देश्य के लिए बख्शा, ताकि हम जीते जी उस परमात्मा की भक्ति करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप परम सौभाग्यशाली हो, ये मानव तन आपको मिला है। समय रहते हुए अपने कीमती समय को सतुपयोग करते हुए सुरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। ये सुरत शब्द नाम की कमाई यही जीवन का आधार है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। साधन तीन सारे नवर ने, और साधन सब थोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संत महात्माओं ने केवल तीन ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। अब सुमरन कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे और भजन कैसे करोगे? अच्छी तरह बैठ करके आप लोग समझ लेना कि कैसे सुमरन ध्यान भजन आपको करना है। और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा, तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, यही अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार आप लोग करिएगा। तो दोबारा फिर यहीं से शुरू कर देना, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, कुल 108 बार करिएगा। तो तीसरी बार फिर यहीं से शुरू करना। जब जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा।
आप उसको अच्छी तरह देख लेना, उसके नूरानी स्वरूप का दर्शन कर लेना। प्रेमी भाई बहनों, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। तो हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम कुल 108 बार करिएगा। फिर चौथी बार फिर यहीं से शुरू करना, पांचवी बार फिर यहीं से, इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करेंगे। किसी गफलत में मत रहिएगा, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को खाली जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, सारी दुनिया इस जहाज पर बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली रह जाएगा। इतना विशाल गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का स्मरण आप नए प्रेमी भाई बहनों के लिए ये रास्ता और सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी 20-20 साल हो गए नाम दान लिए, और अगर उनसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तब भूल जाते हैं। इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता। इसलिए नए जीवों के लिए ये रास्ता और सरल किया गया। प्रेमी भाई बहनों, ये पुराने लोग जैसे गुरु महाराज बता करके गए हैं, आपको उसी हिसाब से करना। ये जो रास्ता है ये नए जीवों के लिए है। तो जितने नए प्रेमी भाई बहन आप लोग जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिएगा। एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए, जो दो नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो। अरे गुरु तुम्हारा सच्चा रहवर, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे, अरे उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा, वह केवल तुम्हारा गुरु है। मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंगे अंग दिया तोड़, पिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, जरा आप भी अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में प्रलय आती है, उस समय सबसे पहले पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है, और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता, गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया, और जब इंद्रिय चक्र टूटेगा यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया, और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्ध सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके यहां पर आती है, यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता। अंत मता सोई गता, हरे नन्नारियो, वही कुत्ते को बिल्ली के सपने और बिल्ली को चूहों के सपने। मनुष्य ने सारी जिंदगी मैले कर्म किए, मैल कमाया मैल खाया, मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहां,
काल ने कोई राह नहीं छोड़ी, काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके ने नन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार घेरे रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब खड़े रह जाते, लेकिन उस पीड़ा से आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर उससे कोई बचाते हैं तो वह केवल तुम्हारे गुरु हैं। गुरु किस तरह तुम्हारी मदद करते देखो प्रेमी भाई बहनों, जब मौत के समय सिमटाव होने लगता, गुरु तुम्हारी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ देते, और जब जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ जाती तो मौत के समय में सिमटाव होते हुए भी हमको दर्द का एहसास नहीं होता, और हम आसानी खुशी से अपना सिमटाव शुरू कर देते। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से गुरु तुम्हारी उस समय पर मदद करते। इसलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। फिर दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, घर में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाने की कोशिश करना। और प्रेमी भाई बहनों, जब आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा महीन चमकीला बिंदु होता है, बहुत चमक मारता, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाए तो आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। शुरुआती समय में जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर टिकाओगे तो बिंदु आएगा फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा फिर गायब हो जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते कि हाय बिंदु कहाँ गायब हो गया, तो दाएं बाएं आंखों की पुतली को अंदर ही अंदर घुमा करके देखते हैं। दाएं बाएं आंखों की पुतली को मत हिलाना, बिंदु गायब होता है हो जाने दीजिएगा, आपका ध्यान सामने रहेगा तो बिंदु फिर आपके सामने आ जाएगा, और जब बिंदु सामने आ जाए तो फिर अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी तो बिंदु के चारों तरफ बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा, और वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता, बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता, और जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में आप लग जाओगे, बिंदु फिर गायब हो जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान बिंदु पर टिका रहे। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब एक तक होकर के आप उस दरवाजे को देखते रहोगे तो वो दरवाजा खुल जाएगा, आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। बहुत विशाल दरवाजा है, शुरुआती समय में मालूम होगा बड़ा महीन दरवाजा, लेकिन जिस समय वो दरवाजा खुलेगा, इतना विशाल वो दरवाजा, ये संसार तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ दरवाजे में होकर के डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा, इतना विशाल वो दरवाजा। उसी को हरि का द्वार कहा गया, वो हरिद्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा, उसी मैदान में आप खड़े हो जाओगे, सामने अपने सतगुरु का दर्शन होगा, और सतगुरु आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये ध्यान करने का तरीका।
आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य ध्यान को जमाने की यहां कोशिश करिएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शबदिया नाम को सुनना, जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, इसी आसन पर आप लोग बैठ जाइएगा। आंख कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की आवाज सुनाई ना पड़े। तो अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया ऐसे रख लो और दोनों कोहनी यहां रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी हमारी माताएं बहने बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ के हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, तो आप लेट करके भजन करो, जैसे आपको ठीक लगे। अरे अपनी सुविधा के अनुसार करिएगा। लेट कर चाहे लेट कर, बैठ कर चाहे बैठ करके, ये आंख और कान को बंद करना, यही कहा गया। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, अपने कानों को बंद करो, और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही, हर एक को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में टेंट राउटी डेरे में बैठ करके और कान में उंगली डाल करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, आपको अनुभव होगा कि सीटी जैसी आवाज, इस तरह से सीटी जैसी आवाज हर एक को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहिएगा, और सुनते 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 आप उसी में लीन हो जाओ, उसको सुनते रहो। जब आप उसको सुनते रहोगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी कहा। वो घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में वो बड़ी महीन आवाज होगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को आप छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती, हरे नन्नारियो, ये दुनिया के संगीत ये कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, ऐसा नशा आपके ऊपर होगा, इतनी खुशी आपको होगी, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे, या आप धीरे धीरे सारी दुनिया को ही भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये नौ द्वारों से सिमटने लगेगा, और जब जीवात्मा का प्रकाश सिमटेगा तो सबसे पहले आपके पैर सुन्न हो जाएंगे, फिर आपके घुटने सुन्न हो जाएंगे, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, और जब गले में सुन्नता आएगी
अनुभव आपको होगा, जैसे मेरा गला खुश्क हो रहा हो और जैसे ही गले को पार किया शरीर की सारी चेतना नौ द्वारों से सिमट करके जैसे ही दसवें दरवाजे पर एकाग्र हुई तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप स्वयं देखना कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी, बड़ी भारी रफ्तार पलक झपकते यह जीवात्मा खरबो जोजन ऊपर चली जाती है। यह सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको शिवलोक मिलेगा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं और आप पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। चैतन्य धार जो सहस दल कवल से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वे अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती, इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती हैं, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है शब्द को पकड़ करके, सूरज चांद सितारों को लांग करके, और जब शिवलोक में पहुंचता और जब शिव जी का सामने दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर चढ़ती है, उसी के ऊपर प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा जी का लोक आता। वो ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी और आप गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। वहां पर विष्णु भगवान मौजूद हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और इनकी माता आद्या महाशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कह करके याद किया। वो सहस दल कवल, वहां के धनी, वहां के मालिक वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक, इन्हीं को त्रिलोकी नाथ कहा गया, हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वे आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटो साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में तिसमे जरे चिरा और तिसमे जरे चिरा, बिना रोगन बिन बाते छह ऋतु बारह मास जरत रहे दिन राते। सतगुर मिला जो होए ताह के नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि
न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो देश सत्य चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद का देश है। जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के धनी, वहां के मालिक वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई और वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने बड़ी मनमोहक, बादलों की गर्जन और मृदंग मनमोहिनी आवाज में वहां उस लोक में गूंजती रहती। और वहां के धनी का यानी ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वयं के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो स्वयं के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ ब्रह्म देश में आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीरा भाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीरा भाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि ये जो आपके प्राण हैं ये यहीं से नीचे उतारे गए। जो साधक यहां तक पहुंच जाते उनको योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच यहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा यहां पहुंची, जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान को यहीं से नीचे उतारा गया था। राम जो थे वो पहले स्थान से यानी निरंजन भगवान के देश से नीचे उतारे गए, और श्री कृष्ण भगवान ये दूसरे स्थान से यानी ब्रह्म देश से नीचे उतारे गए। ये श्री कृष्ण भगवान का ही लोक है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा शब्द की धार को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठनाई। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो धनी है, जो वहां के मालिक है, वो रारंग पुरुष है यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी ये दो धुने बड़ी मनमोहक मनमोहिनी आवाज में वहां उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना गहरा है आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में वर्णन कर दिया। इस संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो मान सरोवर जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया,
गुरु नानक शाह हमने अमृत सर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते हैं। यहां के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे कर्मों को नहीं धो सकता, ये तुम्हारे शरीर के मैल को साफ कर सकता, लेकिन जो अंतःकरण में मैल है वह जब साफ होगा, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय हारा है, जीवात्मा का खुद का प्रकाश तब 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो, भवर गुफा ते संत पुकारो। दो पर्वतों के बीच में वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भवर गुफा कहा। वहां के धनी, वहां के मालिक वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती, और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। मलियागिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहां चलती, इतनी भारी वहां खुशबू है, वहां के खुशबू का एक कतरा बालू के कण के बराबर एक कतरा यदि इस मृत लोक में डाल दिया जाए तो इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी या आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहां आंधियां चलती और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां ना काल है ना कर्म है, ना दुख है ना संताप है, ना पुण्य है ना पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के मालिक सतपुरुष भगवान जिनके रोम रोम में खरबों खरबों सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ये जीवात्मा ऊपर जाती है। इसी के ऊपर तीन लोक और हैं, अलख अगम और अनामी धाम। अलख लोक में अलख पुरुष विराजमान, अगम लोक में अगम पुरुष, और अनामी धाम में वो अनामी महाप्रभु विराजमान हैं। वही अनामी धाम हमारा आपका सच्चा घर है, वही अनामी महाप्रभु हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने घर यानी अनामी धाम वापस पहुंचना। ये भजन करने का तरीका आपको समझाया गया, एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे भजन करोगे। यहां कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको आप लोग पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना, घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज अपने शरीर में अपने घोंसले में वापस चले आना। यहां से आपको अमेरिका जाना है, दो दिन अमेरिका पहुंचने में लग जाएंगे, लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में तलक झपकते ही अमेरिका ही क्या, आप पूरे संसार का चक्कर लगाकर यहां आ सकते हैं। सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया घूम करके यहां आ सकते हैं। यह कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये भजन करने का तरीका
आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके नित्य सुमरण ध्यान भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई और सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। अगर आप बता दोगे, बहुत से प्रेमी गलती कर देते, इसीलिए तो कहा गया कि दया पाना कोई कठिन चीज नहीं है, लेकिन दया को हजम करना बहुत कठिन है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। जरा सा दया आपको मिल गई, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया भर की बातें आप बोलने लगते कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, ऐसे ऐसे नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आप दूसरों को बता दोगे, वो जो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना बंद हो जाएगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरण अपना अपना आप लोग नियम बनाइएगा। इस सुबह का जो समय होता, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय आप भजन किया करो, शब्द आपको साफ सुनाई पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि तुम घंटा 2 घंटा बैठो, अरे जितना देर बन सके, 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन धीरे 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 अपने समय को बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि हकीकत तो यही है कि 1 घंटा कम से कम इस शरीर को स्थिर होने में लगेगा, और जब तक शरीर आपका स्थिर नहीं होगा, ये मन स्थिर नहीं हो सकता। जैसे पानी होता है, अगर पानी हिलता रहेगा परछाई साफ नजर नहीं आएगी, पानी हिलना बंद हो जाए परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, पहले शरीर को स्थिर करना सीखो। जब शरीर आपका स्थिर हो जाएगा, ये मन भी स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो अपना अपना नियम बनाइएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को आप लोग भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखे प्यासे बैठे, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपने जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया, आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरण आप लोग बराबर करते रहिएगा, ये जीवन की सच्ची दौलत है। अरे नन्नारियो, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिएगा, बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरण ध्यान और भजन करिएगा। ये जीवन की सच्ची दौलत है प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरण बराबर आप लोग करते रहिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियो, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार कब बदलेंगे? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खायन वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा
उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जाति के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें, सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु की याद में इतना विशाल ये मंदिर मनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा, मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, यहाँ कोई रुपया पैसा नहीं, कोई चंदा चुटकी नहीं, आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां बुराई चढ़ाई जाती है, यमास से मांस मछली नहीं खाएंगे, हमास से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हमास से झूठ नहीं बोलेंगे, हमास से किसी को धोखा नहीं देंगे, अरे आप अपनी एक बुराई यहां चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। उसी परिश्रम का ये परिणाम है या जन जन के जुबान पर ये नारा गूंजता, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। हम समस्त मानव जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी से प्रार्थना करेंगे, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है रहम करने का, आप जीवात्माओं पर रहम करो, आप रूहों पर रहम करो। किसी धर्म में, किसी मजहब में नहीं लिखा बेगुनाह जीवों पर अत्याचार करो। हर धर्म हर मजहब कहता वह जीवात्माओं पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ देदान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो, और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने गांव क्षेत्र में आप लोग बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आप लोग अपने अपने गांव में और महीने में एक बार जिले के सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक जगह पर इकट्ठा हो करके बड़े पैमाने पर जिले में शाकाहारी की फेरी निकालेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ब्लॉक ब्लॉक पर आप करते हो, लेकिन जिले स्तर पर बड़ी संख्या में सभी प्रेमी भाई बहन इकट्ठे हो करके जिले स्तर पर शाकाहारी का प्रचार करेंगे। अभी देखिए मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम आ रहा, 23 मार्च मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम, 23 मार्च अपने अपने जिलों में ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। उसके बाद 8 दिन तक ये प्रेमी भाई बहनों, जब ये झंडा उतारा जाता तब तक बराबर आप सभी लोग इतना घनघोर रूप से इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करिएगा, ताकि घनघोर रूप से गांव गांव जिले जिले में शाकाहारी की गूंज उठाई पड़े। तो आप लोग इस काम में जुटिएगा,
गुरु महाराज की सेवा, प्रेमी भाई बहनों शाकाहारी का प्रचार आप लोग इस अभियान को चलाइएगा। 23 मार्च झंडारोहण के बाद में आप लोग बराबर 8 दिन तक अपने अपने गांव जिले में शाकाहारी का प्रचार करिएगा। ये बहुत बड़ी आपकी परमार्थी सेवा रहेगी जिसका लाभ आपको परमार्थ में मिल जाएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी ये भंडारे का कार्यक्रम, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक यही मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज के पावन पुनीत भंडारे पर पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं, अकेले अकेले चल पड़ते हैं। बताओ बच्चों को नहीं लाते, इनके अंदर संस्कार कैसे पड़ेंगे, बस अकेले अकेले चल पड़े। भाई हमारी तो उम्र हो गई, चलो हम सत्संग सुनेंगे चल करके, इन बच्चों को पढ़ने लिखने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं, आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं आएंगे, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं आते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ना पड़ती। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से, ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ सब परिवार भंडारे के अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहने, और ये होली का पर्व है, क्षमा याचना का तीज त्योहार है। तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है, यदि कोई गलती कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस होली के अवसर पर आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। महाराज का दरबार है, यहाँ की मिट्टी कण कण बड़ी पवित्र है। ये होली के अवसर पर देखो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग यहाँ की मिट्टी को लीजिएगा, एक दूसरे को तिलक करना, अपनी क्षमा याचना मांगिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, पूजन का प्रसाद अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, बारी बारी से आप लोग जा करके और पूजन का प्रसाद लीजिएगा, पूजन करिएगा। तो गुरु महाराज की दया दुआ ये होली के महापावन पर पुनीत पर्व पर गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे स्वामी हे महाप्रभु, हम प्यारे जीवों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, दरबार में लगाए रखना, और भजन ध्यान सुमरन हमसे करवा लेना, सेवा हमसे करवा लेना, हमारी कमियों को हमारे पापों को दूर कर देना और अपने दरबार में पहुंचा देना। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो जय गुरुदेव। खड़े होकर के गुरु महाराज के पावन नाम का आप सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ जोर से उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खरा,
हमारी हो जाए सब साकारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सब रोगों की एक दवाई हो जाओ भाई। बाबा जी का कहना